हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट इंडिया में बहुत ही मशहूर है और एक बिग ऑडियंस द्वारा इस खेल को बड़े तौर पर देखा जाता है। बावजूद इसके कई लोग क्रिकेट की कुछ बातों से अनजान हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में आज भी कुछ लोगों को पता नहीं है कि क्रिकेटर्स खेल के दौरान सिर्फ च्युइंगम ही क्यों चबाते हैं और कोई चीज क्यों नहीं खाते, या फिर अंपायर्स मैच के दौरान ये क्या चीज हाथ में पकड़े रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेटर्स मैच के दौरान अपने चेहरे पर या फिर होठों पर सफेद रंग का क्रीम नुमा कुछ लगाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या होता है? दोस्तों, कुछ प्लेयर्स को सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं होता बल्कि उन्हें एड्स और विज्ञापनों में भी काम करना होता है। साथ ही क्रिकेटर्स को मीडिया के सामने भी जाना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें अपने चेहरे की स्किन की बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि दिन भर में धूप में खेलने से चेहरे की त्वचा डैमेज हो जाती है, और इसी डैमेज को रोकने के लिए क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर या फिर होठों पर एक सफेद क्रीम लगाते हैं जिसे जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। ये क्रिकेटर्स की त्वचा पर एक लेयर बनाती है जो उन्हें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब आप जान गए होंगे कि क्रिकेटर्स मैच के दौरान अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं। आपने कई बार गौर किया होगा कि कुछ प्लेयर्स क्रिकेट खेलते समय च्युइंगम चबाते हैं। खेल के दौरान च्युइंगम चबाने के कुछ रीजन होते हैं। अक्सर मैच के दौरान तनावपूर्ण स्थिति के चलते, साथ ही गला सूखने की वजह से प्लेयर्स अपना कॉन्सेंट्रेट बरकरार नहीं कर पाते। ऐसे में च्युइंगम मैच के दौरान प्लेयर को शांत और तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। वो ऐसे कि लगातार 7 या 8 घंटे धूप में खेलने से गला सूख जाता है, तब च्युइंगम मुंह में सिलिका को फैलने में मदद करता है और इसलिए गला नम और हाइड्रेट रहता है। साथ ही च्युइंगम प्लेयर्स को शुगर की मात्रा प्रोवाइड करता है जो प्लेयर की मार्जिनल एनर्जी को बूस्ट करता रहता है। सो बेसिकली च्युइंगम प्लेयर को मैच के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में काम करता है। दोस्तों, क्रिकेट में अंपायर्स इस डिवाइस का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। इसे प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे क्रिकेट फास्ट होता जा रहा है इसमें इंजुरीज की चांसेस भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, और ये इंजुरीज कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ऐसे इंजुरीज ने रमन लांबा या फिर फिल ह्यूजेस जैसे क्रिकेटर्स की जान भी ली है। इसलिए गेम के दौरान क्रिकेटर्स के साथ साथ अंपायर्स भी अपनी सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए बैट्समैन ने लगाए शॉट की कोई भी गेंद अपनी ओर तेजी से आए तो इससे बचने के लिए अंपायर्स प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जमशेदपुर के एक मैच में हमने देखा कि धोनी ने बल्लेबाजी के दौरान पिट पर एक अजीब सा डिवाइस लगाया था जिसे देखकर हम सब चौंक गए थे। असल में ये एक आइस बैग है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। धोनी ने आइस बैग अपने पीट पर इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच गया था, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए धोनी ने ये अपने पीट पर अपने टी शर्ट के अंदर लगवाया था। और इसी तरह से कई सारे क्रिकेटर्स धूप में खेलते समय अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस आइस बैग का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, ये थे क्रिकेट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।